प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति द्वारा गंभीर से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के निदान हेतु आर समाज नई मंडी में भारत विकास परिषद संकल्प परिवार द्वारा संस्कृति माह की श्रृंखला में सप्तम पुष्प के रूप में निःशुल्क आयुर्वेदा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। भगवान धन्वंतरी महाराज की पूजा अर्चना के साथ माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिविर का शुभारम्भ किया गया। इस शिविर में अपने स्वयं भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत विकास परिषद संकल्प मानव सेवा हेतु समय समय पर इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भविष्य में भी करती रहेगी। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों का आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अर्जुन शर्मा MD एवं डॉक्टर विकास कुमार BAMS ने सभी मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया एवं उन्हें उचित परामर्श के लिए साथ साथ आयुर्वेदिक दवाई भी लिखी। शिविर में आए सभी मरीजों को ब्लड शुगर जांच भी की गई। शिविर में 107 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस शिविर की मुख्य विशेषता ये रही कि सभी मरीज भविष्य में भी डॉक्टर साहब से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। कार्यक्रम में श्री हर्षवर्धन जैन प्रांतीय सचिव, श्री जयप्रकाश गर्ग, श्री राजेंद्र सिंघल प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी संस्कृति सप्ताह, अजय गर्ग सचिव विराट शाखा का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुभाष चंद्र गुप्ता, CA अश्वनी कुमार वर्मा एंड शिशुकांत गर्ग, विष्णु स्वरूप, डॉक्टर अग्रवाल, विवेक कुमार, अवनीश गोयल, डॉक्टर अजय गर्ग, पंकज माहेश्वरी, सचिन शर्मा, रागिनी गर्ग, सीमा दास, आशा माहेश्वरी, बेबी आरोही का विशेष योगदान रहा। ये भारत विकास परिषद जैसा कि प्रत्येक वर्ष संस्कृति सप्ताह मनाता है, उसी के अंतर्गत संकल्प शाखा द्वारा संस्कृति सप्ताह के अंतर्गत ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। इसमें आयुर्वेदाचार्य जो हमारे पेशेंट हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए नुस्खे दे रहे हैं। और ऐसी परिकल्पना भारत विकास परिषद ने की है कि हमारा पूरा विश्व स्वस्थ हो, उसी की कामना करते हुए ये आज एक आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर यहाँ पर रखा गया है। और जी ये मल्टीपर्पज, एक तरह से ये सभी बीमारियाँ जो भी जिस बीमारी से ग्रस्त है उसमें उन्हें ये आज उसी के संदर्भ में यह शिविर रखा गया है। और विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? 9:30 बजे आज ये शिविर प्रारंभ हुआ है और संभवतः 4 बजे तक ये हमारा शिविर चलने वाला है। और उसके बाद भी यदि पेशेंट आएंगे तो उसी के अनुसार उसे आगे जारी रखा जा सकता है। अभी तक 30-40 पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं और आज हमें माननीय कपिल देव अग्रवाल जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके द्वारा यहाँ पर इसका आज के शिविर का शुभारंभ हुआ है निश्चित रूप। और साथ ही इस चिकित्सा शिविर में हमने शुगर जांच का भी व्यवस्था रखी है, तो वो भी बड़ी उत्सुकता के साथ बड़े सब पेशेंट अपने शुगर की जांच करा रहे हैं और ये पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है। एक समाज को संदेश देने का प्रयास है कि हम जगह जगह पर विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के शिविर लगाएं, जिससे कि जो भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रस्त है उसे एक सुविधा प्राप्त हो सके और भारत विकास परिषद के उद्देश्यों को पूरा करने में हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के एक वानगी के स्वरूप आज का यह कार्यक्रम रखा गया। धन्यवाद। आज भारत विकास परिषद संकल्प शाखा की परिवार की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आम जन को किसी भी तरह की जो परेशानियां रहती हैं, शुगर, BP, थायराइड, जोड़ों में दर्द, किसी भी तरह की परेशानी के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा एक उनको समाधान देने की कोशिश की जा रही है। और प्रयास यही है कि जो प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, एक चिकित्सा शास्त्र होने के साथ साथ पूर्ण जीवन शैली को बताने वाला आदर्शतम वेद, पुण्यतम वेद आयुर्वेद माना जाता है।
तो आज जो भागदौड़ की जीवन शैली है, होचपोच जीवन शैली है, अनेक तरह की जो व्याधियाँ इस जीवन शैली की देन है, उनको हम प्राचीनतम चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद में वर्णित जीवन शैली को अपनाकर इस तरह के रोगों से बचाव भी कर सकते हैं और रोग होने पर उनका समुचित इलाज भी कर सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का प्रथम उद्देश्य यही है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और अगर व्याधिग्रस्त व्यक्ति है तो उसको समुचित प्राकृतिक उपचार द्वारा सही रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए। तो इस जो कुछ चीज़ें हम विशेष ये भी देखते हैं, जो आयुर्वेदिक जीवन शैली का विभिन्न एक 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 मुख्य हिस्सा होता है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या, हम दिन में अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, तो मौसम के अनुसार हम कैसा खान पान होना चाहिए, इन बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमेशा हम आने वाले संभावित रोगों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर रोग हो जाता है तो आयुर्वेदोक्त जीवन शैली को अपनाकर हम उत्तरोत्तर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के आज संकल्प शाखा परिवार की ओर से ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होकर इस आयुर्वेदोक्त जीवन शैली को अपनाएँ और हमेशा स्वस्थ रहें। जी, कैंप का आयोजन 9:30 बजे से 4:00 बजे तक रखा गया है। जी, अभी तक मेरा ख्याल है 40 के करीब रोगी देखे गए हैं। जी,